जमशेदपुर में राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन के आगमन के दौरान गोलमोरी थाना क्षेत्र के टुइला डुंगरी के एक दंपति ने राज्यपाल के समक्ष अपनी पीड़ा को उजागर किया। उनके साथ बिल्डर द्वारा की जा रही मारपीट की घटना से उन्हें अवगत कराया, जहां राज्यपाल ने उपायुक्त और एसएसपी को मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पीड़ित मनोज अग्रवाल ने टुइला डुंगरी में भोला राम के एक फ्लैट को 4 वर्ष पहले खरीदा था, जहां पर पार्किंग के लिए उन्होंने भोला राम और उनके पुत्रों को पैसा दिया था। बावजूद इसके उन्हें पार्किंग नहीं दिया जा रहा है। जब वे पार्किंग के लिए बात करने जाते हैं, तब भोला राम और उनके पुत्रों द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है। मैंने एक फ्लैट खरीदा था 4 साल पहले, हमें कार पार्किंग दी गई थी, कार पार्किंग 2 बंदों को दी गई थी और हमें भी दी गई थी। हमारे कार पार्किंग में जगह नहीं बची है क्योंकि जमीन मालिक ने उस फ्लैट में नीचे एक दुकान टेलरिंग की और एक 2 BHK फ्लैट बना लिया, जिसके कारण पार्किंग शॉर्टेज है। हमने उनसे कहा कि बाबू आप ऐसा मत करो, हमें पार्किंग दो, तो हमारे साथ मारपीट की गई, गाली गलौज दिया गया, तरह तरह से हमको टॉर्चर किया जा रहा है। कौन है फ्लैट मालिक, कौन है जमीन मालिक? जमीन मालिक है भोला राम और उसके पुत्र हैं उमाकांत जायसवाल एंड हुकुमचंद जायसवाल। इन दोनों ने 3 तारीख को, इस महीने की 3 तारीख को, मेरी पत्नी पहले मुझे फ्लैट से खींच कर बाहर रोड में लाके लाजू तो घुसो डंडों से मारा, पत्नी बचाने आई तो इन्हें भी मारा, इनके कान में चोट लगी, पेट में लगी और इतनी कच्ची कच्ची गालियां दी जो मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में। और इसमें हम लोग माने इतने डिप्रेशन में है कि हो सकता है हम सुसाइड भी कर लें, क्यों इतने सवाल के मैं कैसे पाए। स्थानीय प्रशासन ने मदद नहीं किया क्या? नहीं सर, कोई मदद नहीं किया, स्थानीय प्रशासन ने हमें कोई मदद नहीं दिया। अगर मदद देते तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि 107 का केस होने के बावजूद वो हमसे मारपीट करते। अपना परिचय दीजिए। मनोज कुमार अग्रवाल। अभी क्या आश्वासन दिए राज्यपाल महोदय? राज्यपाल महोदय ने अभी एसएसपी साहब और डीसी साहब को कहा कि इन पे तत्काल कार्रवाई।